न्यूरोलॉजिकल और स्पाइनल प्रॉब्लम्स आज के टाइम में काफी कॉमन हो गए हैं। ये प्रॉब्लम्स ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स को अफेक्ट करता है, जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे होता है। हाय, आई एम राधिका गुप्ता एंड यू आर वॉचिंग नागपुर टुडे। आज मैं आई हूँ न्यू एरा हॉस्पिटल और मेरे साथ न्यू एरा हॉस्पिटल के न्यूरो सर्जन डॉक्टर निलेश अग्रवाल है। और आज हम डॉक्टर निलेश से बात करेंगे न्यूरोन रिलेटेड प्रॉब्लम से। सर, जब आपके पास पेशेंट्स आते हैं तो वो कौन से ब्रेन और स्पाइन की तकलीफों के साथ आते हैं? ब्रेन के जो प्रॉब्लम्स रहते हैं, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन इज हेडेक। पेशेंट का ट्यूमर या डिसीज कहाँ पे, उससे रिलेटेड अलग अलग कंप्लेंट्स आ सकती है। जैसे कुछ पेशेंट बोलते हैं कि हमारी सडन आंखों की रोशनी चले गई, कुछ पेशेंट बोलते हैं कि हमको एक कान से सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ पेशेंट बोलते हैं कि चलते चलते हमको एक साइड में हम लहर रहे हैं, कुछ पेशेंट्स बोलते हैं कि मैं सब ठीक था, सडन सीवियर हेडेक हुआ, मुझे वोमिटिंग चालू हुई और दिखना बंद हो गया। कुछ पेशेंट बोलते हैं कि मेरा एक साइड का हाथ और पैर पैरालिसिस हो गया। कुछ पेशेंट जो स्पाइन के रिलेटेड डिसीज के हैं वो वीकनेस लेके आते हैं, हाथ पैरों में वीकनेस है, कंपन है, चीटियाँ आ रही है, थोड़ी देर चलने के बाद रुकना पड़ता है। तो ये सब डिपेंड करता है पेशेंट का लोकेशन, डिसीज का कहाँ पे है, और उस क्लिनिकल कंप्लेंट्स के साथ हम जब जांच करते हैं तो फिर हम लोकलाइज करते हैं कि ब्रेन की वजह से या स्पाइन की वजह से। ब्रेन डिजीजेस कौन सी है और स्पाइन रिलेटेड डिजीजेस कौन सी है? ब्रेन में मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर जो होते हैं वो एक, यदि हम चालू करें तो जो सर्जिकल पेशेंट्स हैं, सबसे पहले ब्रेन ट्यूमर्स। अब ब्रेन ट्यूमर्स दो टाइप के होते हैं, एक कैंसर के और नॉन कैंसरस ट्यूमर। जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं उनका लोकेशन के वाइज कंप्लेंट्स आती है, बट मोस्ट कॉमन कंप्लेंट उनका जो रहता है मिर्गी का दौरा आना, सर दर्द होना, वीकनेस आना और बहुत तेजी से पेशेंट का सेंसोरियम या भूलने की बीमारी आना, और उसका फिर जाँच के बाद हम उस हिसाब से ऑपरेशन करते हैं। बट कैंसर के पेशेंट में यदि ग्लायोमा या ग्लायोब्लास्टोमा ऐसा निकलता है तो ऐसे पेशेंट्स को हम रेडियोथेरापी या कीमोथेरापी भी सजेस्ट करते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे रहते हैं जिसमें ब्रेन ट्यूमर यदि आप निकाल दो और उनका डिसीज में मैलिग्नेंसी नहीं आती है तो उनको रेडियोथेरापी या कीमोथेरापी नहीं लेना पड़ता है, और ऐसे पेशेंट्स का आगे का लाइफ बहुत अच्छा रहता है। एडवांसमेंट्स की वजह से सर्जरीज अभी इतना ईजी हो गया है एंड रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, तो जो पहले पेशेंट्स की मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी होती थी वो अब नहीं के बराबर हो गई। पहले की तुलना में अभी न्यूरोलॉजिकल मेडिकल एडवांसमेंट ऐसे क्या आ चुके हैं कि जो बीमारी का पहले कोई इलाज नहीं था बट अब आ चुका है? अभी देखिए, यदि हम बात करें तो पिछले 5 या 10 सालों में इतना एडवांसमेंट आ गया है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम इमेजिंग। आपको पहले जो चीज़ें नहीं दिखती थी अब वो सब चीज़ें सीटी, एमआरआई, पेट स्कैन में सब डिटेक्ट होती है। अब एमआरआई में इतना एडवांसमेंट आ गया है कि आप पेशेंट का कौन सा अंग इम्पॉर्टेंट है, वो स्पीच एरिया है तो वो ट्यूमर में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसमें फंक्शनल इमेजिंग कर सकते हैं। कभी कभी चेहरे पे पेशेंट आता है, बहुत दर्द लेके आता है, जिसको ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया में होते हैं, हम एमआरआई में पिक कर सकते हैं कि नस दबने से हो रहा है, तो यदि ऐसे पेशेंट को हम ऑपरेट करके ठीक कर सकते हैं, जिसको सुसाइड डिसीज भी बोलते हैं। तो सबसे पहला एडवांसमेंट न्यूरो में आया है इमेजिंग। इमेजिंग की वजह से हमारा लाइफ बहुत ईजी हुआ है। दूसरा एडवांसमेंट हुआ है ऑपरेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। जो माइक्रोस्कोप्स है बहुत हाई क्वालिटी के आ गए, हम 40 times 50 times मैग्नीफाई करके ऐसे पेशेंट्स को ऑपरेट करते हैं। जो गैजेट्स है, अभी नेविगेशन आ गया है, जैसे एक पायलट एयरप्लेन उड़ा रहा है तो उसे पता है कि कहाँ उतरना है, वो जयपुर का जयपुर ही उतरेगा, दिल्ली नहीं उतरेगा, वैसे ही नेविगेशन हमारे इसमें आ गया है ताकि हमको पता है कि हमको कहाँ पहुँचना है। यदि वो ब्रेन में ट्यूमर में CSF निकलने के बाद शिफ्ट भी होता है तो नेविगेशन हमको बताता है कि ट्यूमर यहाँ पे है, हम पूरा रिसेक कर सकते हैं, हमको इंट्राप ही समझ में आ जाता है कि हमने ट्यूमर पूरा निकाल दिया। तो नेविगेशन, अच्छे माइक्रोस्कोप, अच्छे इंस्ट्रूमेंट, स्पाइन के लिए अच्छे फिक्सेशन के लिए जो स्क्रू रॉड्स हैं पहले से बहुत अच्छे हो गए। तो अब ऐसा ब्रेन और स्पाइन में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां हम नहीं पहुंच सकते या ऑपरेट नहीं कर सकते। किसी को आप ब्रेन डेड कब घोषित करते हैं? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत लोगों को मीत है। लोगों को ये लगता है कि मैं ऑर्गन डोनेशन का कंसेंट दूंगा तो मेरे ऑर्गन सब यूज होना चाहिए। ऑर्गन ब्रेन पेशेंट की डेथ होने के बाद दो ही यूज हो सकते हैं यदि वो देना चाहे तो, या तो पूरी बॉडी जो एनाटॉमी के डिसेक्शन में काम आ सकते हैं या कॉर्नियास। बट जो ब्रेन डेड कंसेप्ट है यही रियल ऑर्गन डोनेशन होता है, और वो पेशेंट अपना कंसेंट नहीं दे सकता, उस वक्त उनके रिलेटिव्स को आगे आना होता है। ब्रेन डेड में ऐसा होता है कि पेशेंट के हार्ट, लंग, किडनी, लीवर ये सब ठीक चल रहे हैं, पेशेंट वेंटिलेटर पे है, बट ब्रेन का कोई काम साइन नहीं मिलता है, जैसे उसका हाथ का हलना या उसके गैग रिफ्लेक्स होना या उसकी आंखों की पुतलियों का रिएक्शन होना। तो इसके कुछ टेस्ट होते हैं जो हम करते हैं, और क्लिनिकली यदि पता चलता है कि ब्रेन डेड है तो उसमें कुछ हम एक अपनिया टेस्ट, EEG और ये सब बाकी सपोर्टिव टेस्ट करते हैं, और ये सब निगेटिव आते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि पेशेंट का ब्रेन काम नहीं कर रहा है बट बाकी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। ऐसे पेशेंट के रिलेटिव यदि आगे आते हैं
तो वो पेशेंट के ऑर्गन्स जो अभी हम ट्रांसप्लांट का सुनते हैं, लिवर, किडनी और ये सब हो रहा है, उसमें ये यूज हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट ब्रेन डेड कहलाते हैं। एक्चुअल डेथ होने के बाद लिवर या किडनी नहीं निकालते हैं क्योंकि उसका सर्कुलेशन रुक जाता है। तो सर्कुलेशन रुकने के पहले यदि आप ऑर्गन्स को निकालते हैं तो ही वो काम आता है। Okay. और किडनी में क्लैंप लगाने के बाद तो भी आधा से एक घंटा, तीन घंटा का टाइम मिलता है, बट लीवर और हार्ट और लंग के लिए तो आपको सर्कुलेशन है तभी आप कर सकते हैं। उसीलिए ब्रेन डेड पेशेंट का ही ऑर्गन काम आ सकता है, कैडेवरिक पेशेंट का नहीं। आपसे क्वेश्चन रहेगा यूथ से रिलेटेड और ड्रग्स से रिलेटेड, कि आजकल हम लोग देख सकते हैं कि यूथ जो है वो काफी ज्यादा ड्रग्स से एडिक्टेड है, मतलब नॉट ऑल बट सम, कि वो लोग केमिकल वाले ड्रग्स कर रहे हैं, सम आर कंज्यूमिंग वीड एंड दिस स्टफ। एडल्टहुड में अगर वो लोग कर रहे हैं तो एल्डरली जब उनकी एज आएंगी तो उसमें उनको क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है? देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम इन पेशेंट्स में आता है साइकोलॉजिकल, अपने आप को एडजस्ट करना लाइफ के साथ। बिकॉज व्हेन दे आर यूज्ड टू ड्रग, सबसे पहले ड्रग डिपेंडेंसी आ जाती है। तो ड्रग डिपेंडेंसी आती है और यदि उनको गलती से ड्रग नहीं मिलते हैं सो दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट, इवन टू एक्सटेंट ऑफ किलिंग सम पर्संस, टू एक्सटेंट ऑफ स्टीलिंग द मनी, क्योंकि उनको ड्रग चाहिए रहता है। तो सबसे पहले बिहेवियर प्रॉब्लम आते हैं, देन दे गेट ऑटोमेटिकली सोसाइटी बायकॉट। अभी वो यंग है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा, बट जैसे वो बड़े हो गए इसका इफेक्ट ये होता है कि वो अपने आप को सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं, बॉडी अंदर से टूटने लगती है एंड ब्रेन। एक यदि आप 40 साल के पेशेंट का जो ड्रग कंज्यूम करता है यदि आप उसका ब्रेन जज करोगे तो 60 साल के एक नॉर्मल आदमी के जैसा होता है, ब्रेन एट्रॉपी होने लगता है। और ऐसे पेशेंट फिर जल्दी डिमेंटिक हो जाते हैं, उनका जो बात करने का स्टाइल है या उनकी भूलने की बीमारी वो बढ़ जाती है एंड दे आर नॉट एबल टू सोशली कनेक्ट विद द पीपल। क्या ये डिजीजेस जो है तो ये जेनेटिकली ट्रांसफर इनहेरिट होती है? लाइक अगर पार्किंसंस किसी के फैमिली हिस्ट्री में है तो वो आगे इनहेरिट होने वालों में किसी में आ सकता है? अभी देखिए, कुछ ब्रेन की डिसीजेस जेनेटिकली ट्रांसफर होती है, जैसे सम ऑफ द पेशेंट्स ऑफ पार्किंसंस कैन हैव दैट। कुछ पेशेंट जैसे ट्रिमर डिसऑर्डर के है, दे कैन हैव अ फैमिलियल इनहेरिटेंस। सम ऑफ द ब्रेन ट्यूमर्स कैन हैव अ फैमिलियल इनहेरिटेंस। सम ऑफ एपिलेप्सी पेशेंट्स कैन हैव फैमिलियल इनहेरिटेंस। या कुछ कंजेनिटल डिसऑर्डर्स रहते हैं तो वो उनके सिबलिंग्स में होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, बट 70% ऑफ ब्रेन एंड स्पाइन डिसऑर्डर्स आर नॉट फैमिली इनहेरिटेड। सर, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि हाउ कैन वी प्रिवेंट दीस थिंग्स और दीस डिजीजेस? सबसे पहले चार स्टेप में मैं बोलना चाहूंगा। सबसे कॉमन कॉज ऑफ एक्सीडेंट नाउअडेज इज फास्ट बाइकिंग, फास्ट ड्राइविंग एंड रोड्स अच्छे हो गए हैं तो पेशेंट कोई आजकल हेलमेट लगाने को नहीं दिखता है। चौक पे पुलिस खड़ी है तो हेलमेट लगा रहे, अदरवाइज नहीं लगा रहे। तो सबसे पहले आप अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, आपकी स्पीड आपके लिए घातक हो सकती है, एक मिनट में लाइफ बदल जाती है। हम रोज हेड इंजरी के पेशेंट देखते हैं जो कभी कभी लाइफ लॉन्ग कोमा में चले जाते हैं या फैमिली मेंबर लॉस्ट हो जाता है और दे आर यंग किड्स। सो सबसे पहले यंग जनरेशन के लिए आप गाड़ी संभाल के चलाइए, हेलमेट जरूर यूज कीजिए। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, आज की तारीख में 20-22 साल, 25 साल के लड़कों को स्ट्रोक हो रहा है, ब्रेन में ब्लीड हो रहा है। दिस इज बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन, दिस इज बिकॉज ऑफ एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल, दिस इज बिकॉज ऑफ हाई शुगर लेवल्स। और ये इसीलिए हो रहा है कि फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है, स्ट्रेस डिसऑर्डर बढ़ रहे हैं। इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ये एक ऐसी चीज़ है जिस जो हमारे कंट्रोल में है, हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। थर्ड थिंग, जब आपको पता है कि आपको स्पाइन का प्रॉब्लम है तो हम लोगों को बोलते हैं कि आप नीचे जमीन पे मत बैठिए, फॉरवर्ड बेंड मत करिए, भारी सामान मत उठाइए। तो जिम में भी आजकल यंग जनरेशन आप देखिए बहुत वेट ट्रेनिंग के पीछे बहुत भारी भारी सामान उठाते हैं एंड बहुत सुपरवाइज ट्रेनिंग नहीं रहता है उनका। तो जिम प्रॉपर कीजिए, जस्ट बिकॉज बॉडी बनाना है उसमें इतने वेट्स मत उठाइए कि उसकी वजह से आपके स्पाइन प्रॉब्लम हो जाए। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच वी कैन मॉडिफाई। ब्रेन ट्यूमर होना नहीं होना ये हमारे हाथ में नहीं है, इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। बट यदि आपको एक बार डिसऑर्डर हुआ है, आपको एपिलेप्सी की मिर्गी की बीमारी है, आप दवाइयाँ लीजिए। आप दवाइयाँ नहीं लोगे तो ये डेफिनेटली वापस आएगा। यदि आपको स्ट्रोक हुआ है, पैरालिसिस हुआ है, आपको हम कुछ दवाइयाँ देते हो आप लीजिए। पेशेंट्स हैं हमारे पास जो एक साल डेढ़ साल लेते हैं फिर कुछ होता नहीं, उनको लगता है आप कोई जरूरत नहीं, बंद करते हैं, फिर अगली बार वीकनेस लेके आते हैं। तो ये चीज़ें हमारे हाथ में हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच सर, और आपने काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी हमें, काफ़ी यूजफुल थी हमारे दर्शकों के लिए। सो थैंक यू सो मच। Thank you.